Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Kapil, mera bachcha hai tu. Dada. Vicky, mera bachcha hai tu. Sara, mera bachcha hai tu. Archu, channel ka kharcha hai tu. सारा क्या लग रही लिया कमाल वेरी प्रिटी वेरी क्यूटी पाई यार पूरी फैमिली फिट है यार मम्मी को देख लो डैडी को देख लो इनको देख लो बिडू यार देखने में कपिल 50 के ऊपर नहीं लगती क्या बोल रहे हैं आप अरे मैं वेट की बात कर रहा हूँ बिडू अच्छा लड़की लोग को कभी भी एज नहीं बताने का दादा एज पूछने का नहीं जब पूछा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे क्या हो गया बिडू तेरे को मेरा डार्लिंग क्या हो गया बड़ू पैर बड़ू माल हो गया बड़ू माय सारा आपका माल की शायरी करती हैं बड़ू फैंटास्टिक मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कमाल है बड़ू कमाल की शायरी खैर विकी क्या है बड़ू कैसे बड़ू माये बड़ू सोशल मीडिया पे वीडियो देखा आपका बर्थडे का बहुत अच्छा बड़ू एक ही कमी लगी किसकी मेरी मेरे को बुलाया नहीं बड़ू ना मेरे को शादी पे बुलाया बड़ू ना मेरे को बर्थडे पे बुलाया बड़ू ना बच्चे के मुंडन पे दादा बच्चे अभी हुए नहीं मुंडन ताना मार रहा हूँ मैं बड़ू ताना जब बच्चे का मुंडन रहेगा आप बुलाएंगे कहीं बड़ू मेरे बाबू ने ताना ताया मेरा मतलब ताना लगा कि नहीं लगा आपको हाँ इधर लगा ताना इधर लगना बहुत जरूरी है मैं बड़ू कौशल फैमिली का दीवाना हूँ बड़ू सब लोग कमाल है क्या सुपरस्टार है यार क्या एक्टिंग करते यार विकी के लिए वाकई जोरदार तालियां हो जाए कोई पंच नहीं सही बात है कमाल आई लव यू बड़ू और सनी सनी भी कमाल सनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए तो स्वीट है मैं उसका गाना देखा बिडू कौन सा वो बेबी डॉल में सोने दे दादा सनी क्या हॉट लग रही है बिडू उसके अंदर दादा वो सनी लियोनी है ये इनके भाई सनी कौशल है हाँ तो मेरे को मालूम है जब सनी कौशल आएंगे तब उनकी बात करेंगे ना बिडू हाँ तो सनी लियोन कहाँ आई है दिल में अभी दिल में आई मैं बात किया अब सबके दिमाग में आ गई रहेंगी कल तो सारा सनी मेरे सपने में भी आई अच्छा हाँ सुबह गई है वो बहुत टाइम थे हम लोग साथ में बहुत अच्छा दादा आप करने क्या आए इधर मैं कॉमेडी दादा ये सांप के जूते क्यों पहने आपने ये सांप के नहीं बिडू डुक्कर के ये बहुत गर्म ये सपना ने दिए थे मेरे को लाके खैर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बिडू एज अ सीनियर इट्स नॉट अ जोक बीइंग वेरी सीरियस अबाउट दिस ओके देखो क्या रहता है पति पत्नी रहते हैं एक पति रहता है हाँ और एक पत्नी रहती है ये पति को क्या हो गया पत्नी के आते ही पति झुक गया ये पहला टिप है अच्छा पत्नी को और पति को हमेशा मिल के रहना चाहिए छोड़ो क्या कर रहे हो फैमिली शो है क्या छोड़ो तो बिडू सबसे इम्पोर्टेंट चीज औरत है घर की देवी है वो पूरे घर का ख्याल रखती है बिडू औरत का हाथ कभी भी नहीं छोड़ने का झगड़ा आ जाए फिर भी नहीं छोड़ने का वो कभी भी हाथ उठा सकती है ना इसीलिए बोला मैं कभी नहीं छोड़ने का औरत का हाथ दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ बिडू एक दिनचर्या रहता है सुबह उठ के कभी भी बीवी को किस नहीं करने का अच्छा क्यों हाँ हमारे बाजू में खन्ना जी रहते उन्होंने सुबह उठ के बीवी को किस किया उनका तलाक हो गया कैसे उन्होंने बीवी देखी लेकिन किसकी बीवी थी ये नहीं देखा तो
तो उनका तलाक हो गया। दोपहर को बाबू सोना बोल के बीवी को हग नहीं करने का। क्यों? काम पे जाने का। क्या सारा दिन घर पे बैठे रहेंगे क्या? पगार भी तो चाहिए, घर भी चलाना है कि नहीं बेटू? और ये तो चलो मर्द लोग के लिए हो गया। तीसरी चीज औरत लोग के लिए बेटू, औरत लोग के लिए। पति थक हार के घर पे आए तो शाम को किस नहीं करने का। क्यों? क्योंकि शाम इनके डैडी है ना, इनको किस करेंगे, इनके घर पे लपड़ा। खैर सारा बेटू, हाँ जी, आपको हिस्ट्री में डिग्री मिले ला बेटू, कमाल है। हिस्ट्री का मेरे को बहुत नॉलेज है। हाँ, इधर जितने बच्चे लोग बैठे हैं, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा बेटू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपका फोन या आपका लैपटॉप मम्मी डैडी के हाथ में लगा तो हिस्ट्री पहले डिलीट करने का। इससे बहुत लफड़ा हो सकता है बेटू। कल तो टाइगर का फोन मेरे हाथ में आया, मैं शॉक हो गया। ऐसा क्या था उसमें? नहीं नहीं, वो सीधा है, वो कुछ नहीं था। मैं ये शॉक हो गया, मेरा फोन उसके पास था, मैंने हिस्ट्री नहीं डिलीट किया। खैर बेटू, उरी पिक्चर में क्या काम के लिए विक्की जोरदार ताली हो जाए। मैं बताता हूँ बेटू, मैं उरी देखा हमारे नायगांव में भोजपुरी में लगा था। कैसन जोश बा, ऊंचा बा, ऊंचा बा। माय गॉड, कमाल बेटू। एक डायलॉग ने तो मेरा दिल पिघाल दिया बेटू। कौन सा था? ये नौका भारत था, हम दुश्मन के घर में घुसेला और ओकरा के ठूस ठूस के फुसेला। कमाल, कमाल हो गया, कमाल। बेड़ू विक्की, मेरा एक छोटा सा काम था बेड़ू। ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके बारे में कि इन्होंने यामी गौतम के साथ उरी की, यामी की शादी हो गई। फिर आपने आलिया के साथ राजी की, उनकी शादी हो गई। गोविंदा मेरा नाम कियारा के साथ किया, उनकी भी शादी हो गई। ये मेरे बुआ की लड़की है। इसकी शादी नहीं हो रही, इसके साथ एक फिल्म करो ना। मैं तो कहता हूँ बेटू, आप कपिल के साथ भी एक पिक्चर करो। अरे मेरी शादी हो गई दादा। मैं तेरे को फिल्म दिला रहा हूँ, तेरे को शादी की पड़ी है यार। हाँ बेटू, मेरे बच्चे लोग करके मैं शगुन देना चाहता हूँ आप लोग को। सारा बेटा, ये काम नहीं आएंगे अब। ये काम आए, नकली है। अच्छा, असली बंद हुए, नकली थोड़ी बंद हुए। थैंक यू दादा। मेरा ये कुछ नहीं है बेटो, एक मिनट लेकर आऊ। ये गिफ्ट मेरी तरफ से, 2000 के नोट आपको। और अगर अगर आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा है तो आप 500 में मुझे वापस भी कर सकते हैं। आप लोग तीनों बोलो नाइन नाइन। ये थी मेरी जाने की लाइन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस फिल्म का आपने ट्रेलर देखा होगा ना, ये विक्की से लड़ते हुए बोल रही है कि चीपड़ा है ये आदमी, नरक कर दिया इसने मेरी लाइफ को, बाल खोल के झटक दूंगी ना, घुटनों के बल चल के आएंगे तेरे जैसे लौंडे, ऐसा बोलती है ये। देखो मुझे पता आप अपना किरदार निभा रही हैं, असल में बड़ा ही प्यारा बोलती हैं ये। अगर आपको बड़ी तहजीब के साथ लड़ाई करनी है अपने हस्बैंड के साथ, अदब के साथ, और लाइनें यही हैं, कैसे आप बोलेंगी ये डायलॉग? आदाब नवाब साहब। वो आदाब भी करेंगी लड़ने से पहले? हमें आपका रुखसार देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वाह वाह, आपने हमारी बहार सी जिंदगी को जन्हुम बना दी है। शायद आपको इल्म नहीं, अगर हम अपनी घनी घनी जुल्फों को जरा भी बेतकल्लुफ कर दें, तो आपके जैसे आशिक घुटनों पे आ जाएंगे हमारे सजदे के। वाह, इरशाद इरशाद, क्या बात है, क्या बात है, जीती रहो।
दिख गई नवाबी। हाँ, बहुत क्या बात है। दिख गया नवाबी। रियल लाइफ में जब झगड़ती है ना ये, तो वो जो फिल्म के डायलॉग आपने बोले ना, वो उर्दू लगते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि वो भी तहजीब लगती है जो फिल्म में बोला था। वैसे लड़ाई में पूरी पंजाबी है। हाँ, तेरी सारा, have you ever झापट गाए? नहीं नहीं नहीं, झाप इज पाप, taught me from बाप। हाँ अच्छा, किसी ने छेड़ दिया है, you don't get that. मुझे कौन छेड़ेगा? अच्छा ओके, देख के तो देखे। कुछ फोटोग्राफ्स निकाली हमने आपकी, उसके नीचे कमेंट्स आपको पता ही मजेदार बड़े होते हैं, दिखाइए जरा। सारा ने फोटो डाला है, पर्वतों में पराठे, जन्नत इन पहाड़े, चलती रही कॉफी के सहारे, बर्फ में भी बहारे, तो आजमाओ ये नजारे। क्या है सारा ये, बड़े अच्छा लगता है ऐसे? मतलब ये शायरी आपने लिखी है? हाँ जी, बहुत अच्छी लिखी है। क्या प्रॉब्लम, क्या है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ। तो मैं कहता अच्छा लगता है कि कभी कभी लिखती हूँ, रोज इसकी बुक छपनी चाहिए आपको, किताब आनी चाहिए शायरी की। किताब है ऑलरेडी, किताब का क्या। ओहो, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बड़ा डरावना होता है। आधा ही पराठा बचा, बाकी खा गई सारे, बर्फ यहाँ काफी है, ग्लास लेके आओ सारे। अच्छा, किसी ने आगे शेयर कंटिन्यू किया है, मेरा एक ही नारा है, प्यार मेरा सारा है। क्या बात। किसी ने लिखा है, भाग यहाँ से टुच्चे, सैप डंडा लेके आ रहा है। और दिखाइए, हीरोइन है भाई, किसी टूरिस्ट का प्लेट पकड़ के फोटो खिंचाया है, गाड़ी में एवोकाडो खाएगी। ये सच नहीं है। अरे ये खुद का पराठा है यार। अरे नहीं, करती है, आलू का पराठा है। नहीं करती, मैं एवोकाडो सिर्फ तब मंगाती हूँ जब प्रोडक्शन पैसे दे रहा होता है, बहुत महंगे होते हैं। आई स्वेयर, सच में जब भी ब्रांड शूट हो या फिल्म शूट हो, गाने का शूट हो, मैं एवोकाडो मंगाती हूँ। यार ये एवोकाडो आया कब, मतलब हमारे बचपन में तो नहीं था। पर एवोकाडो कहाँ का फल है आपको पता होगा? आई थिंक मैक्सिको। कहाँ कहाँ का, एक बंदा बोले मैक्सिको, स्पेन। तुम तो मलाड से आगे कभी गए नहीं। तुम्हें कैसे पता स्पेन का है? चलो आइए देखते हैं। लिखने की ख्वाहिश तो मुझे भी थी, लेकिन डरता था लोग क्या कहेंगे, आज आपकी शायरी पढ़ के मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है। कौन है ये नामाकूल जिसने ऐसा लिखा है, इतनी अच्छी शायरी। आज मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए, जब सवालों के जवाब में मैं कुछ भी लिख आता था। But it's a good शायरी, problem नहीं, बहुत अच्छी है। इसकी डेप्थ देखिए आप, एकदम सटीक है। बिल्कुल, एक ही शेर में पराठे हैं, पहाड़ हैं, कॉफी भी है। हाँ, और क्या चाहिए? पहाड़े पहाड़े तो वो होते हैं जो एक का पहाड़ा, दो का पहाड़ा। Many पहाड़ is what? पहाड़ों पहाड़ों पहाड़े नहीं होते। अरे पर पराठे आ ना, एक ही मात्रा आ रही ना। पहाड़ का प्लूरल पहाड़ी है। एक पहाड़ और दस पहाड़। पर वही वो हिंदी पहाड़े वो हो जाते हैं। कैसा एफआईआर करा दो उसकी, फिर क्या करें? लिख दिया बस, ठीक है, एंजॉय करो अपनी बात। हाँ जी, तो कर रही थी फिर आप। हाँ, अरे अरे ऐसे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का काम है कहना। आगे कमेंट करते हैं। पलटू, सबसे बड़ा पलटू। नहीं कोई नहीं, ओहो मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता, बहुत अच्छी लाइन है। इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट तो करो करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी चाहिए, है ना? हाँ, क्या करो, मेरी तरफ मत देख। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और वो हो भी गया है, अभी मैंने मेहनत की या नहीं की वो डजंट मैटर। मैनिफेस्ट नहीं, आपने जबरदस्ती किया है। दिखाइए जी कॉमेंट्स आगे। फोटो बाद में खिंचाना, पहले पेटियां उठा के ट्रक में रखो। अगर आपको इस बात की अकड़ है कि आपके पास 2000 का नोट है, तो 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा करवा दें, गर्दन सीधी हो जाएगी। यार ये बड़ा चक्कर चल रहा है। आपके पास कितने दो दो हजार वाले है? दो दो हजार वाले नोट कितने रखे हैं आपने? मेरे पास नहीं, नहीं है। मनी मन में गिन क्यों रही थी फिर? मैं नहीं गिन रही थी, नहीं है मेरे पास। हाँ चलिए और दिखाइए आगे। अगर आपने मुझसे शादी की होती तो आपके शर्ट के बटन टूटे ना होते, मैं लगा देती, वैसे मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। किसी ने उसी लड़की को रिप्लाई किया, अगर आप धोती रफू कर सकती हैं तो मैं भी अवेलेबल हूँ।
ये कौन है भाई? धोती रफू करा रहा है। और दिखाइए। इस पे तो आएंगे बेटा कमेंट्स। आमची मुंबई की सवारी, बेस्ट बस, रेड लाइक ए चेरी, गुड टू बी होम, फीलिंग मैरी, नाउ मेकिंग माय राइड टू पारसी डेरी। तो हर पोस्ट में शायरी कर रही है। दिस इज अ नाइस वन। इन्होंने ढूंढ ली है शायरी हर पोस्ट पे थोड़ी, कभी कभी एक दो इमोजी भी डाल देती हूँ। आइए नीचे कॉमेंट्स पढ़ते हैं। अरे यार, जिस दिन बेस्ट में ऐसी कंडक्टर हो गई, लोग अपनी गाड़ियां बेच देंगे। इन्होंने अपने पापा से बोला था मुझे बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दो, उन्होंने बस ले दी। जैसे आप खड़ी हैं, विरार जाने वाला भी चर्च गेट की बस में बैठ जाए। और दिखाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉफी नंबर 5। पाजी, 5 कॉफी दिन में पीनी चाहिए? फिर भी सो रहा है। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। भाई आप किस्मत वाले हो, आपको 5वीं कॉफी मिली, हम ऑफिस में दूसरी चाय मांग ले तो पीएन हमें ऊपर से नीचे तक देखता है, बोलता है ससुराल आया क्या। मेरी बिल्ली को भी अगर पुराना दूध पिला दो, वो भी ऐसे ही मुंह बनाती है। और दिखाइए। पहले हमारे पास ऐसा एक तकिया था, पिताजी ने तेल लगा लगा के चिकना कर दिया। और दिखाइए। सारा अली खान, बकरी चराना, ट्रैक्टर चलाना, वाज इट जस्ट फोटो का बहाना, और सारा विशिंग इट वाज ए डिफरेंट जमाना। वाओ, गालिब साहब की याद आ गई मुझे। ये बुरे नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। चचा का सारा ध्यान इन पे है, आज जरूर इनकी भेड़ खोएंगी। लगता है ये अंकल से पूछ रही है, भेड़ तो काली और सफेद है, फिर स्वेटर रंग बिरंगे कैसे बन जाते हैं। 19 काले और 14 सफेद भेड़े हैं, और ध्यान से देखने में पता चलेगा एक कुत्ता भी है। देखो भी कितने भी टाइम है लोगों के पास, सो स्वीट। और दिखाइए। बहुत समय बकरियों के साथ बिताने पर इंसान भी थोड़ा थोड़ा बकरी जैसे दिखने लगता है। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। अच्छा, सारा का ना मूड के ऊपर डिपेंड है, जब तो पूरे मूड में होती है फिर तो कुछ भी बोलती है। जब कभी आ जाए ना, पता नहीं बीच में किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, ऐसे बैठ गई जैसे दुनिया का पता ही कुछ नहीं है इसको। उस समय क्या हुआ था? अक्षय सर ने मुझे बोला था ज्यादा बकवास की बातें मत कर। ओह माय गॉड। और मैंने बोला यार बातें करूंगी तो बकवास ही निकलेगा, तो मैं चुप हो गई। ऐसी कभी कोई ऐसी कोई बात आपके मुंह से निकली जब आपको लगा हो कि उफ ये नहीं बोलनी चाहिए थी यार? अरे हर बार, अभी भी लग रहा है। मैं घर जाके मेरे दोस्त बोलेंगे यार तुमने सबको शेडी बोल दिया, ऐसे कैसे। ऑलरेडी मतलब 2 सेकंड पहले की जो बात बोली मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब हो गया। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं, जो है दिल में है वो मुंह पे है कि नहीं? अच्छी बात है। मुझे सारा को देख लगता है छोटी अमृता सिंह आके बैठ गई है। हाँ। ना अमृता मैम भी मतलब ऐसी बबली है बोलने में। वाओ वाओ। अच्छा आप दोनों ट्रेलर लॉन्च में ऑटो में क्यों गए थे? फिल्म पे सारा खर्चा हो गया? अरे मैंने सारे तौलिए चुरा लिए थे प्रोडक्शन से, तो पैसे बचे नहीं उनके पास, तो उन्होंने हमें ऑटो में भेज दिया। पर रियल लाइफ में आप जाती हैं ऑटो में कभी? हाँ जी। आपको पता है ऑटो का मिनिमम किराया क्या है मुंबई में? 17। नहीं, बहुत साल पहले था। 22। 3। 25। 23 ना कपिल, तेरे को पता है? मैं जब लेटेस्ट बैठता था उस समय 18 रुपए होता था। नहीं नहीं पाजी, मिनिमम 23 रुपए ज्यादा हो गया। 23 रुपए। आप क्यों दर्शकों से पूछ रही हैं? आपके तो खुद के 4 ऑटो। पता हमारे मड आइलैंड में जेट्टी से अगर रहेजा जाओ जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ जी, तो 50 रुपए फिक्स्ड है। वो मैंने भी ली हुई है। हाँ। तो इतना सा तो सफर है, उसमें भी आप तैर के चले जाया करो, क्या फर्क पड़ता है? अरे वहाँ पर सड़क है जहाँ पर वो, तो वो मगरमच्छ कहाँ गए दो छोटे जो? आपको पता ना अडॉप्ट किए थे दो मगरमच्छ सारा, आपको पता है? छोटे छोटे लेके पाले थे इन्होंने, तो दोनों के ऊपर पैर रख के ना ये मड आइलैंड से ऐसे आती थी ये बरसों बाद। अरे आपको इनकी शक्ति का नहीं पता, ये तो शो में प्यारी रहती तो भालू गन्ना चूस रहा उसके मुंह से खींच लेती, मतलब ऐसा इनका दबदबा है। एक बार ये भुट्टा खा रही थी, मगरमच्छ ने लपक लिया, इन्होंने पकड़ के मुंह खोला उसका, कहती निकाल भुट्टा, तो निकाला निकाला दो मछलियां भी निकाल ली इन्होंने। मुझे वो याद है आपका, वो जो आपने एक छोटे मगरमच्छ का वो बाद में आपने कंघी बनाई थी ना, कि तेरे ये बड़े निकले हुए हैं, ब्रश बनाया था उन्होंने।
उसके बाद इन्होंने दो बाज पाले, एक बाज का बायां पैर और दूसरे का दायां पकड़ के उड़ के जाती है बोलती हाँ बीच में शूट कर रही थी अलीबाग में तो बाज पकड़ के सेट कहाँ लगा हुआ है उनकी हाइट पे उड़ रही थी ना वहां पे देख के आगे जाके उन्होंने छलांग लगा दी चार बजे तक वापिस आ जाना पैकअप हो जाए तो ऐसा माहौल है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.